हरे कृष्णा, मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राहु की रेमेडीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए 90% जितनी भी कंसल्टेशंस मैं रोज़ कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट राहु एंड केतु। आइदर पीपल आर रनिंग दी राहु महादशा, अंतरदशा, या उनके शनि या बृहस्पति का ट्रांजिट राहु के ऊपर है, या केंद्र त्रिकोण में जो राहु के एक्सेस बने हुए हैं, चंद्र के साथ राहु, सूर्य के साथ राहु, बुध के साथ राहु, शनि के साथ राहु, इसी प्रकार चंद्र के साथ केतु, सूर्य के साथ केतु, शनि के साथ केतु, श्रापित दोष, पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव में, ये सारे योग राहु केतु के साथ ग्रस्त इस कलयुग में मुझे रोज़ देखने को मिलते हैं। देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी 12 साल की ज्योतिष की तपस्या और मेहनत में जो मैंने अपने बहुत से फॉलोअर्स को रेमेडीज़ दी, उन रेमेडीज़ में से 3-4 रेमेडीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा और 100% आपको ये रेमेडीज़ करने के बाद रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। देखिए किसी भी ग्रह की अगर आप एनर्जी को न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए बाहर बहुत गर्मी है और आपको अंदर ठंडक चाहिए, तो आपको एसी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करना होगा, और अगर बाहर बहुत ठंड है और अंदर आपको गर्मी चाहिए तो उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली टेम्परेचर जो है मेंटेन करना होगा। राहु तमोगुण है, तामसिक गुण है। देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि राहु ने अमृत का स्वाद, अमृत का टेस्ट अपने जीवन में लिया था, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो उसको पता है कि अमृत क्या है, उसको पता है कि सतोगुण क्या है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मान लीजिए गार्लिक है, लहसुन है, जो कि राहु को बिलोंग करता है, तो अनियन और गार्लिक जो है वो क्यों राहु केतु को बिलोंग करता है और उसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ क्यों है, क्योंकि दे नो कि अमृत क्या है, इसीलिए उसमें अमृत का गुण आ गया जो कि सेहत को ठीक रखता है, लेकिन सतोगुण के लिए वो इतना अच्छा नहीं माना गया है। देखिए राहु की महादशा या केतु की महादशा सबसे पहले आपका दिमाग ख़राब कर देती है। केतु आइसोलेट कर देता है, राहु आपके दिमाग को विचलित कर देता है। इल्यूजनरी वर्ल्ड में आप एक समय में एक से ज़्यादा काम करने चाहेंगे, आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने चाहेंगे कि सही ज़िंदगी चल रही है उसमें से यू टर्न ले लिया जाए। जो मुझे पास्ट में चाहिए था, मैं छोटे होते सोचता था कि मैं कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छा पायलट बनूंगा, तो सडनली यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एवरीथिंग इज़ रनिंग, आपका दिमाग ख़राब होता है, आप चाहते हैं कि आप ये बन जाएं, और आप उसको छोड़ के वो करने लग जाते हैं। कल मेरे पास एक केस आया जिसमें राहु का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि समबडी वॉज डूइंग ऑलरेडी एक MBBS की एक या डॉक्टर थे, डेंटिस्ट BDS कर रहे थे वो, और लास्ट फोर्थ ईयर में वो पहुंचने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि अब मैं इसको छोड़ के मैं दोबारा से MBBS का एग्ज़ाम देके वो करूँगा, करूँगी। सो यू नो दीज थिंग्स आर राहु। राहु की एनर्जी इतनी डोमिनेंटली आपके दिमाग पे जो है असर करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ऐसे सर्कमस्टांसिस में एक कहावत है पुरानी, जैसा अन्न वैसा मन। राहु केतु मन पे बहुत प्रभाव डालने की शक्ति रखते हैं। अब सबसे पहले द फर्स्ट रेमेडी जो मैंने देखी है, वो दो रेमेडीज़ एक साथ जुड़ी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप अपनी डेली रूटीन में कितना सतोगुण ला सकते हैं, और सतोगुण की शुरुआत वेजिटेरियन फूड से होती है, और उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक, आप वेजिटेरियन फूड कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, सात्विक फूड कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, और आपका खाना कौन बनाता है, जो खाना बनाता है आपका क्या वो इंसान सात्विक है। आप एक बुचर के हाथ से रोज़ खाना खाएं, या आप एक राजसिक या तामसिक प्रवृत्ति रखने वाला, आपके घर में कोई कुक है जो ड्रिंक भी कर लेता है, बीड़ी भी पी लेता है, स्मोक भी कर लेता है, और वो खुद नॉनवेज खाता है, और वो आपका खाना बनाकर या आपकी हेल्प करके आपको खाना दे रहा है। मैं अपनी बीवी से हमेशा यही कहता हूँ कि मुझे आप अपने हाथों से खाना बना कर दीजिए,
क्योंकि मैं जानता हूँ वो सात्विक है। मैं अपनी माँ को कहता हूँ अगर मुझे एक गिलास पानी भी चाहिए, वैसे तो मैं खुद ले लेता हूँ, लेकिन अगर चाहिए तो आई मेक श्योर कि मैं एक राइट पर्सन को बोलूँ कि आप मुझे एक गिलास पानी दीजिए या मुझे एक कप चाय बना के दीजिए या कुछ भी आप दीजिए। अब चाय भी हम सात्विक इस्कॉन अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी यू नो विदाउट कैफीन आपको मिलती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने लाइफ में चेंज करनी होती हैं। सतोगुण, अब जैसे मान लीजिए नॉनवेज खा रहे हैं आप, नॉनवेज खाते हुए और आपकी राहु की दशा है, एक तो राहु आपको इल्यूजनरी और एक तामसिक मोड में आपको लेकर आते हैं, क्योंकि तमोगुण और सतोगुण दो तीन प्रकार के हैं। पहला आपका अन्न, आपका शरीर तामसिक है, और दूसरा मन भी आपका तामसिक हो सकता है। तो सबसे पहले मन को आपको सात्विक करने के लिए आपको भोजन को सात्विक जो है बनाना होगा, वेजिटेरियन बनाना होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अनियन और गार्लिक छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे धीरे, एटलीस्ट कच्चा प्याज जो आप खा लेते हो खाने के साथ एज ए सैलेड, उसको अवॉइड कीजिए। धीरे 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 फ्रीक्वेंसी ख़त्म करिए। आप देखिएगा कि कोई भी ऐसी सतोगुण की जो रेमेडी आप अपने जीवन में शुरू करते हैं 22 दिन के अंदर, 22 डेज के अंदर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो राहु तमोगुण से भरी हुई सर्कमस्टांसेस, एनर्जी, दिमाग, हालात, आपके लोग आपको चीट कर रहे हैं, आपके मन में आ रहा है कि क्विकली कोई चीज़ हासिल कर ली जाए, क्विकली कोई चीज़ जो है अपने जीवन में ले आए, आप पैसा कमा लें, गाड़ी बना लें, कुछ बिजनेस को बड़ा कर दें, आज 4 मशीनें चल रही हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, राहु की दशा आई, आपको लगा 40 कर लेते हैं, और आपने बैंक से लोन भी ले लिया, फ्रेंड से पैसे भी ले लिए, साथ वाली जगह भी किराए पे ले ली, एंड सडनली यू लॉस्ट एवरीथिंग, दिस इज राहु। एंड देन केतु में सब कुछ सही चल रहा था, आपका मन ही नहीं कर रहा उसी काम में जाके काम करने के लिए, दैट इज केतु। सबसे पहले मन के अंदर सात्विकता लाना सबसे बड़ी रेमेडी, और उसकी शुरुआत फूड से होती है। जब भी मैं अपने फॉलोअर्स को कहता हूँ कि आप वेजिटेरियन खाना खाएं, उसका मतलब क्या है, मैं राहु को ठीक कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेल देम दैट बी वेजिटेरियन, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम हेल्पिंग देम टू रिड्यूस द तमोगुण ऑफ राहु एंड केतु। और जब वो रिड्यूस होता है तो राहु और केतु आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस अमृत, उस नेक्टर को जो उन्होंने पिया था, बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइंग दैट ऑल्सो। दैट इज़ वाई केतु इज यू नो इज अ एनर्जी दैट विल ऑलवेज टेल यू टू ब्लाइंडली फॉलो योर गुरु एंड धर्मा। दैट इज वाई केतु बिकम्स मोक्षकारक, बिकॉज ही डजंट हैव दैट सेंस, यू नो दैट आईज, दैट नोज, दैट ईयर्स, टंग टू अंडरस्टैंड धर्मा एंड गुरु। एंड हाउ गुड इज दैट कि आपको अगर गुरु को फॉलो करना है तो आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू टेस्ट योर गुरु गॉड, यू डोंट हैव टू टेस्ट। दैट इज द मीनिंग ऑफ केतु, ब्लाइंडली, डजंट हैव अ हेड व्हेन यू आर फॉलोइंग अ धर्मा। यू शुड नॉट हैव अ हेड व्हेन यू आर फॉलोइंग योर गुरु। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वॉन्ट टू से, एंड इफ योर गुरु सेज बी वेजिटेरियन, इनक्रीज सतोगुणा इन योर लाइफ, दैट इज द बिगेस्ट रेमेडी। एंड जस्ट लुक फॉरवर्ड कि आपका खाना कौन बना रहा है। आप यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे राहु का अनुष्ठान कर रहे हैं, केतु का अनुष्ठान कर रहे हैं, और आप खुद सात्विक नहीं हैं। आज मंगलवार था, आपने पूजा की, अनुष्ठान किया, शनिवार था, आपने राहु के इतने सारे जाप करवाए, और आपने संडे को जाके पार्टी की, राहु इज अगेन एक्टिवेटेड फॉर गिवन टाइम, आपने राहु की एनर्जी को कम किया, जाते ही संडे को आपने राहु की एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया। सोचिए इस बारे में, मैं एक सतोगुणा मूवमेंट चलाने वाला हूँ, सारे रुद्रा वैदिक अकेडमी के स्टूडेंट्स को मैंने उसमें डाल दिया है, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सल मूवमेंट जो है ये बनने वाली है। आप लोग को भी, आप सब लोगों को न्योता है, आई इनवाइट यू ऑल। मैं जल्दी ही एक टीम जो है आपके लिए लगाऊंगा, जो आपको छोटी छोटी सात्विक मूवमेंट्स लाइफ में, यू नो वी विल नॉट बिकम सात्विक, वी विल कीप ट्राइंग टू बिकम सात्विक, बिकॉज इतने मॉडर्न समय में, इतने मॉडर्न ज़माने में हमारे ऑफिस प्रोफेशन की कमिटमेंट्स, पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से हम 100% सात्विक नहीं हो सकते हैं, बट इट विल बी अ 100% सात्विक, यू नो वी विल ट्राई टू बिकम एज मच सात्विक एज कैन। छोटी छोटी मूवमेंट्स उसमें हम शेयर करेंगे, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाएंगे, मेरी टीम आप लोगों को ऐड करेगी, एक प्लेटफॉर्म आपको दूंगा,
एंड सी सेम राहु केतु 18 साल की दशा, 7 साल की दशा, चंद्र के साथ राहु, सूर्य के साथ राहु, शनि के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ राहु केतु की युतियां आपको अच्छा रिजल्ट्स देंगी। यही आज के कलयुग का ज्योतिष है, यही सारा दिन मैं देखता रहता हूं और ये एक शुरुआत है, ये पहली रेमेडी है। दो आई हैव डिस्कवर्ड मैनी मोर रेमेडीज बट आई विल बी शेयरिंग यू इन कमिंग वीडियोज। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन हरे कृष्णा।